raki sawant has revealed that she was planning a baby with her husband ritesh singh this year but now that they've officially parted ways she's constantly eating and feeling very depressed raki announced their separation via a statement on sunday ritesh told media that he is helpless and he can't do anything and he tried his level best to stay with her Raki seemed on cloud 9 when her NRI husband Ritesh was introduced to the world through Big Boss 15. Unfortunately, the couple has parted ways and Raki is in distraught state. She shared her feelings with media about how she pleaded at his feet to not leave her, but all went in vain. Raki Sawant secretly tied the knot a few years ago and shared the pictures on her social media account, leaving tongues wagging. She posted her solo pictures and she was to say that Ritesh and I have decided to part ways. After the big boss show, a lot has happened and I was unaware of certain things which were out of my control. We have tried to work out our differences and tried to make things work, but I think it is best we both move on amicably and we both enjoy our lives separately. After her separation from her husband Ritesh, the queen of controversy, Raki Sawant, was spotted outside her gym and had a conversation with the Paps. She said, "I feel he used me." Raki also added that Ritesh had not given any sense of security to her as his wife, and also added that he could never accuse her of using him. What are your thoughts on Raki and Ritesh's separation? Friends, kiss you all. I feel alive. हाँ किसी ने पोस्ट किया था कि मेरे लाइफ पे एक से ग्यारह लोग रहते थे आज तो टू थर्टी वन टू फोर्टी वन है ठीक <laughs> <not Jiju> <laughs> है <laughs> तो वैलेंटाइन डे मना रहे हो आप लोग नहीं मना रहे हो स्केच इज फ्रॉम बी अच्छा आप जानते हो बिग बिवो को बिग बॉस बिग बॉस री इंटर करूँ आरे कहाँ आ की बिग बॉस री इंटर करूँ आप लोग जिताते थे वो नहीं उल्टे आ, अपनी ही वाट लगती है बिग बॉस जितना देते नहीं हों उतना से ज्यादा तो अपना लग जाता है <laughs> शूड शू यूर लुकिंग क्यूट थैंक यू जस्ट फॉर हम्म आपका वैलेंटाइन डे कैसा है बैचलर वाला वैलेंटाइन राखी के दादा था <दादादादादाधादादाधादादाधा> <laughs> प्रतीक से बात होती है हाँ बिल्कुल बात होती है बिग बॉस में एटलीस्ट मैंने कुछ दोस्त जरूर बनाए जो इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी लालच या जो मैं मैं जैसा हूं वैसा लोगों को पसंद करता हूँ प्रतीक इज वन ऑफ देम प्रतीक डेफिनेटली उससे एक फीलिंग आती है मीन्स कहीं भी अगर उसको देखता हूँ या जब भी वो मैसेज भी करता है तो एक फीलिंग आती है कि हमेशा पॉजिटिव फीलिंग आती है लगता है कि कोई अपना है तो आई मीन ऐसे लोगों को एटलीस्ट मैं मैं दोस्त बनाया कह सकते हो केस कैसन बानी रउ्वा हम ठीक बानी यू टॉक विदेवलिना येस कोर्स देवलीना भी बहुत अच्छी है देवलीना के साथ भी मेरे काफ़ी अच्छे बड़ा भाई मानती है डेफिनेटली बहुत अच्छी है वो भी okay. राखी वॉचिंग दिस नो प्रॉब्लम निशान हाँ निशान भी अच्छा बंदा है मीन्स कह सकते हो कि कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे लगे निशांत इवन करण करण से भी मेरी कोई ठीक है जो भी अंडरस्टैंडिंग शुरू में थी लेकिन करण भी उसकी बातें अच्छी लगती थी मुझे हाँ अब वो गेम था तो भाई उसको हम लोग अपोजिट टीम में थे तो खेलना ही पड़ता है बट या ही हैज द पोटेंशियल एटलीस्ट उसकी बातें अच्छी लगती थी हम्म उमर अच्छा बहुत बुरा हुआ जी जो अरे नहीं यार कुछ भी बुरा नहीं है लाइफ में जो है ना डेस्टिनी जो होती है हर चीज़ के लिए एक डेस्टिनी डिसाइड होती है कुछ उसके लिए वी हैव टू एक्सेप्ट इट वीडियो पूरा तीजा और करण ऑल दी बेस्ट उनको ऑल द बेस्ट बोलूंगा बस अच्छे लोग हैं अच्छे अच्छी लाइफ बनाए छोरा <laughs> क्या है यार यू एड मी नो आई डोंट वांट टू एनीवन एंड ट hmm. क्या बोलू मैं यार कुछ कुछ मैसेज आप लोग करते हो कि इसको बोल दो उसको बोल दो इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट कि आप आप मुझे बोलोगे मैं रिस्पॉन्स कर सकता हूं किसी अदर्स को बोलोगे मैं कैसे उसको बोलूँ कि ये कर दो वो कर दो यार बट या डेफिनेटली अगर आप उनसे बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यूजर नेम चेंज करो यार वाई आई शुड चेंज ठीक है ना यार यूजर नेम जो है ठीक है <coughs> मेरी आइडेंटिटी मेरी खुद से है मेरी आइडेंटिटी मेरी खुद से है ना कि किसी ये से किसी आईडी से और मुझे फेम नहीं चाहिए था मुझे कहीं भी किसी से फेम नहीं चाहिए था मैं बहुत खुश था अपनी लाइफ में और ऐसे ही रहना चाहता था मुझे फेम नहीं चाहिए था फेम लाइक लेके आप लोगों की गालियां सुनो नहीं वो फेम नहीं चाहिए था मुझे कोई यहाँ पे ना मुझे लाइक मुझे एक्टिंग फील्ड में करियर बनाना था और ना ही मैं इसके लिए इंटरेस्टेड था मेरा फील्ड ही दुसरा है भाई तो मुझे फेम नहीं चाहिए था ना ही पैसा पैसा मुझे क्या ये देंगे जितना ये पैसा है इन्होंने मुझे लाइक देने का वो तो मैंने पैसे खुद डोनेट कर दिए हैं वो पैसा ये क्या मुझे देंगे जितना पैसा दे रहे हैं उतना मैं टिप छोड़ देता हूँ तो जिसको नहीं जानते हो ना उसके बारे में बोलना कम करो नहीं पता है वो क्या मुझे पैसे देंगे फिर क्यों गए थे अब तो आप सभी को पता है क्यों गए थे मैं थोड़ी गया था <laughs> मुझे बुलाया गया था मैं मैं खुद अपना काम छोड़ के मैं कौन जानना पसंद करेगा बट मुझे बुलाया गया था तो क्या हाँ मुझे फेम मिलके मुझे क्या करोड़ों का ऑफर आ गया है फिल्मों का उल्टे मेरे जेब से गए हैं चलाश अरे रितेश नाम का बंदा बहुत पहले से जानता है बहुत पहले से हल्ला था और रितेश नाम का बंदा सिर्फ रितेश नाम से नहीं फेमस था मेरे पापा नाम से फेमस था जाके देख ले जितना का मैसेज तू करता है ना जितना मैसेज तू किया नहीं होगा ना उतना का गिफ्ट में मार चुका हूँ जाके देख ले ठीक है जितने तेरे तूने देखे नहीं हो ना उससे ज्यादा के मैंने गिफ्ट मारा है उधर तो नहीं जानता तो मत मत बोल जिसका नाम ले रहा है ना उसको बोल उसको बोल आगे इधर बात करे चल जाएगा <laughs> सर आप मुंबई में नहीं मेरा मुंबई में कोई डेस्टिनेशन नहीं है मैं मुंबई में आई डोंट वांट क्योंकि मेरा कोई यहाँ पे मुंबई में कुछ काम नहीं है मैं बॉलीवुड में नहीं हूँ हाँ बॉलीवुड में मैं आऊँगा कुछ काम करूँगा बिकॉज मैंने फैंस को प्रॉमिस किया है बट हाँ एट दिस मोमेंट नो आई टेक टाइम अभी खुद को संभाल लूँ काफ़ी है नहीं हो मैं जहाँ हूँ वहाँ पे मैं अपने में एक मिसाल हूँ ठीक है तो बकवास ना करो यहाँ पे जो भी है बातें यहाँ पे तुम सब हेटर हो जो हेट हेट बातें करते लेकिन मैं हेट, हेटर को उठाता हूँ हेटर को तुम लोगों जैसे हेटर को तुमको काम धाम तो है नहीं फ्री का बस फोकट में बस इसको गाली दो उसको गाली दो वही करते रहते हो जिंदगी भर यही करते रह जाओगे जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी भी इंसान के पीछे उतना में कुछ तरक्की कर लेते यार यार लोग अनफॉलो कर देंगे कर दें डू यू थिंक कि मुझे फॉलो करने से क्या मुझे पैसे आ जा रहे हैं मेरा काम दूसरा है और मैं वही काम करते रहूंगा थैंक यू सो मच लव यू टू यू फेमस योर फेमस कैन कैन यू गिफ्ट फॉर योर फॉलोअर्स यूर फेमस क्या लिखे इसको फॉलो करते हैं अरे यार <laughs> ये। के। मैं आपके लिए भाई के मैंने <laughs> यार तुम्हारे फॉलो ना फॉलो से मुझे क्या फर्क पड़ता है यार मैंने कभी नहीं बोला कि भाई आप लोग फॉलो करो फॉलो करना है फॉलो करेगा जिनको मेरी बातें अच्छी लगेंगी वो फॉलो करेंगे जिनको मेरी बातें अच्छी, बाते अच्छी नहीं लगेंगी वो नहीं फॉलो करेंगे right. हाँ अब ये तो आप ये क्वेश्चन आप राखी से पूछो लोग गाली भी देते हैं सर और मजे की बात है भी देखते हैं वही मैं समझ नहीं पाता हूँ कि भाई आप आप यहाँ पे एक बंदा लिखा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है अरे तो तुमको बुलाया तुमको इनविटेशन दे के तो मैंने बुलाया नहीं है कि भाई आओ और वॉच करो ये मैं अपने दोस्तों से जो बात करने आया हूँ जो कि जो जिनको लगता है कि मैं सबको एक साथ रिस्पांस नहीं कर पाता हूं इनबॉक्स में मैं उनके लिए आया हूं उनसे बातें करता हूं उनको बहुत सारे डाउट्स थे कि ये है वो है तो उनके लिए आया हूं यार लॉट्स ऑफ लॉ